रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है हमने फैक्ट स्क्वेयर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वेयर रूट, यानी हमने स्क्वेयर रूट किस तरीके से मालूम करना है डिवीजन मेथड से। इससे पहले जो हमने स्क्वेयर रूट जो कल क्वेश्चन नंबर 1 में जो मालूम किया था वो बाई फैक्टराइजेशन था। तो यहाँ पे जो है मैंने कुल 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के, तो उसमें से 3 पार्ट्स यहाँ पे लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट पार्ट इधर नीचे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x² + 12xy + 9y² + 16x + 24y एंड देन + 16। तो इसके पेयर बनाते हैं, पेयर जो है ना इसके बनाना ज़रूरी होते हैं जब फैक्टराइज करते हैं। तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट पेयर, राइट से लेफ्ट हम जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये आपके पास है थर्ड पेयर। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पेयर की शक्ल में नीचे जो है वो पेयर नीचे लेके आते हैं डिवाइड करते वक्त। तो यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर बार खींचे हैं, लाइनें खींची हैं, वो पेयर बता रही हैं। तो अब इसको हटा के हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पेयर आपको पता चल गया किस तरह बनाते हैं। तो अब जो सबसे पहला काम है वो ये करना है कि जो ये टर्म का जो पहला आपके पास जो टर्म मौजूद है 4x², तो हमने 4x² लेके आना है। अब 4x² किस तरह लेके आना है कि जो यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे या टर्म लिखेंगे वही ऊपर आंसर में आने चाहिए। यानी जिस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, इस तरह 4x² अगर आपने लाना है तो 2x यहाँ पे लिखेंगे और 2x ही हम आंसर में लिखेंगे, यानी एक ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके 4x² बनाए, तो वो कौन सा बनता है, वो 2x बनता है। यानी 2x यहाँ पे लिखेंगे और 2x ही हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि ये स्टेटमेंट हम ये वाली यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से जो है वो रेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारे पास 2x यहाँ पे और 2x यहाँ पे, 2 2s होते हैं 4, x से मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड है इसका स्क्वेयर रूट मालूम करने का। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, चूँकि हमने पेयर उतारना था तो पेयर में से एक जो है टर्म जो है वो तो सॉल्व होगी, लेकिन एक टर्म हमारे पास बच गई, उसको भी नीचे लेके आएंगे और आगे जो आपके पास सेकंड पेयर है वो कंप्लीट नीचे लेके आएंगे। मींस यानी प्लस का 9y² और प्लस 16x, ये सेकंड पेयर था तो ये कंप्लीट नीचे आएगा। तो एक तो फर्स्ट पेयर में से जो एक आपके पास जो टर्म थी वो डिवाइड हो गई थी, एक बाकी बच गई थी, वो नीचे लेके आएंगे और फिर सेकंड पेयर जो है वो कंप्लीट हम नीचे लेके आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले ये जो डिवाइड करने वाला 2x था इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो बाय डिवीजन मेथड स्क्वेयर रूट मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो डिवाइड करने वाला एक नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा डबल करते हैं। तो फर्स्ट टाइम यानी 2x को डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी 4x आ गया। अब 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12xy आ जाए, तो हमने पहले फर्स्ट टर्म को देखना होता है, बाकी टर्म्स को हमने नहीं देखना होता, फर्स्ट टर्म जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो अब 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 12xy आ जाए, तो प्लस का अगर हम यहाँ पर 3y ले लें, जो यहाँ पर लेंगे वहाँ आंसर में भी वही ऊपर आप जो है वो टर्म लेंगे। तो प्लस का 3y जो है 4x से अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 12xy बनता है। तो 3y को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर 3y ने 3y इटसेल्फ आपस में मल्टीप्लाई होना है, 3y 3y से मल्टीप्लाई होकर 9y² हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, नीचे साइन जो नीचे टर्म्स हैं इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस 12xy प्लस का है तो नीचे माइनस आ गया, और ये 9y² प्लस का है तो नीचे माइनस आ गया। और यहाँ पे हम ये लाइन लगाएंगे, ये ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, ये प्लस का 12xy माइनस के 12xy के साथ कैंसिल, इसी तरह प्लस का 9y² माइनस 9y² के साथ कैंसिल, आपके पास 16x आ गया। और प्लस लास्ट पेयर अब यहाँ पर हम नीचे जो है उसको लेके आएंगे जो कि 24y और प्लस 16 है। अब आगे बढ़ेंगे, जिस टर्म को हम डबल कर चुके हैं उस टर्म को डबल नहीं करेंगे, वो टर्म नीचे ज़रूर आएगी। यानी 2x को हम 4x कर चुके थे तो 4x को अब डबल नहीं करेंगे, 4x वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन जो नई टर्म जो है सेकंड पोजीशन पे हमने डिवाइड जब किया था तो उस वक्त जो 3y हमने यहाँ पे लिया था तो उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। यानी प्लस का 3y जब डबल होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा।
और अब हमने ऐसा डिजिट जो है वो लेके आना है, तो जिसको जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे डिवाइड करने वाली 4x है, यानी 4x से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x आ जाए। तो वो डिजिट हमारे पास कौन सा है, वो प्लस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4, जब आप यहाँ डिवाइड करने वाली जगह पे प्लस का 4 रखेंगे तो जो आंसर होगा ऊपर उसमें भी प्लस 4 हम लेके आएंगे, जो टर्म यहाँ पे आएगी वही टर्म ऊपर आंसर में भी आएगी। तो अब हम 4 को, ये जो 4 ऊपर मौजूद है इसको पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा, फिर 4 को हम नेक्स्ट टर्म जो कि प्लस 6y है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24y आ जाएगा, फिर प्लस 4 प्लस 4 इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस 4 4 सार कितने होते हैं 16, और साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब नीचे ये प्लस का 16x है तो इसका साइन चेंज करेंगे, डिवीजन में साइन जो है वो चेंज होता है, माइनस का 16 हो जाएगा, इसी तरह प्लस का 24y है तो प्लस का है तो माइनस नीचे आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और फिर प्लस का 16 नीचे है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहां पे हम लाइन लगाएंगे तो ये जो प्लस का 16x है माइनस के 16x के साथ कैंसिल, प्लस का 24y माइनस के 24y के साथ कैंसिल, और प्लस का 16 माइनस 16 के साथ कैंसिल, और आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। यानी ये जो है जब पूरी पूरी जो आपको दी गई एक्सप्रेशन है या दी गई जो इक्वेशन है जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो फिर वो उसका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो मालूम हो जाता है। ये जो टेक्निक हमने यूज की है ये कौन सी है, बाय डिवीजन मेथड हमने स्क्वायर रूट मालूम किया है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस दिए गए एक्सप्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस के साथ। तो अब आप क्या करेंगे, आखिर में जो आपके पास ओरिजिनल है हैंस लिख के यहां पे आप इस तरह क्या करें, हैंस लिखें और फिर 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x आपके पास आ गया, प्लस 24y आ गया, प्लस 16 आ गया, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे और सामने जो है इक्वल में प्लस माइनस लिख के और ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आया 2x प्लस 3y प्लस 4 ये आपके पास क्या आ गया, ये इस दिए गए एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये इसका हमने क्या मालूम कर लिया, स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। तो इसी तरह हम जो है नेक्स्ट जो है पार्ट इसमें से जो हमारे पास मौजूद है ये हमने एक सॉल्व कर लिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास मौजूद है वो हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिया है। तो फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास है यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, 4 प्लस 25x² माइनस 12x माइनस 24x³ प्लस 16x³। तो जो हम टर्म्स हैं x की पावर जो बड़ी पावर है उसके लिहाज से हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 16x³, फिर लिखेंगे माइनस 24x³ और फिर लिखेंगे प्लस 25x² और फिर लिखेंगे माइनस का 12x और फिर लिखेंगे प्लस का 4। तो इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, सबसे पहले x की जो बड़ी पावर है वो वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और आखिर में लास्ट में क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई। और आपको पता है पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर हम इस तरफ से बनाते हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और इधर जो है लास्ट में अगर एक टर्म बच जाए तो वो वन पेयर के इक्वल होती है, उसको भी पेयर कंसीडर करते हैं अगर आपके पास एक टर्म बच जाए। तो ये ऊपर हम जो है, क्योंकि इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ये लिख चुके हैं, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था तो उसको हमने वहाँ पे रेज कर दिया। अब 16x की 4 चाहिए, तो ऐसा डिजिट जो है वो लेके आना है जो इटसेल्फ यानी अपने आप से मल्टीप्लाई हो और 16x की 4 लेके आए, तो वो यहाँ पे 4x² यहाँ भी और 4x² आंसर के अंदर भी। तो 4x² वो आपके पास टर्म है या वो डिजिट है या वो नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई जब होता है, यानी 4x² को 4x² से मल्टीप्लाई करें तो ये 16x की 4 जो कि फर्स्ट टर्म है वो आ जाती है, ये 16x की 4 आ गया, यहाँ साइन नीचे चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, प्लस का 16x की 4 माइनस के 16x की 4 के साथ कैंसिल, नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेके आएंगे माइनस 24x³ प्लस 25x², और आगे बढ़ते हैं तो जो डिवाइड करने वाला जो पेयर में से यानी वो जो नंबर होता है उसका जो एक पार्ट डिवाइड में होता है और एक पार्ट आंसर में होता है, तो डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है, जो टर्म होती है, उसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, वंस टाइम जो है ना एक दफ़ा उसको डबल करते हैं। 4x² को डबल करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा, यानी डबल करते वक्त क्या होता है कि कोएफिशिएंट जो होते हैं वो डबल होते हैं, पावर जो है वो डबल नहीं होती, तो 8x² आ गया। अब 8x² को हमने जो है ये जो नीचे पेयर मौजूद है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 24x³ है, तो हमें 8x² को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस का 24x³ आ जाए। तो अगर हम माइनस का 3x यहाँ भी ले लें
और माइनस का 3x यहाँ भी ले लें, डिवाइड करने वाला नंबर और आंसर में वो नंबर वही आना चाहिए, यानी कि वो जो है वो अपने आप से वो नंबर जो है मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वही वैल्यू आप कहाँ पे लिखेंगे आंसर में लिखेंगे, यानी माइनस 3x अगर यहाँ पे लिखा है तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस 3x आएगा। ये है स्क्वेयर रूट बाय डिवीजन मेथड करने का तरीका। तो अब माइनस 3x 8 प्लस 8x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 3x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9x स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, नीचे माइनस 24x क्यूब टर्म है इसका साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 9x स्क्वेयर था तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 24x क्यूब प्लस के 24x क्यूब के साथ कैंसिल, और प्लस के 25x स्क्वेयर में से 9x स्क्वेयर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 16x स्क्वेयर आ जाएगा। साथ ही हम जो लास्ट पेयर है जो कि माइनस 12x प्लस 4 है उसको भी नीचे उतार लेंगे, और यहाँ पे अब हम नीचे आएंगे इस जगह पे, इस ये जो टर्म्स हैं इनको हमने डिवाइड करना है, तो वो जो डिवाइड करने वाली आप टर्म्स हैं उनको नीचे लेके आएंगे, जिसको हम पहले डबल कर चुके हैं वो टर्म वैसे की वैसे, यानी 8x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और जो नई टर्म थी प्रीवियस जो आपके पास स्टेप था उसके अंदर माइनस थ्री एक्स तो उसको हम क्या करेंगे डबल करेंगे, यानी माइनस 3x डबल होकर क्या हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ऐसी टर्म लेके आनी है कि जो 8x स्क्वायर से जो फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो तो 16x स्क्वायर आ जाए, तो वो टर्म जो है वो प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि जो डिवाइड करने वाली फर्स्ट टर्म है वो प्लस की है तो हम प्लस का 2 लेंगे यहाँ पे, तो प्लस का 2 यहाँ भी लिखेंगे और प्लस का 2 यहाँ भी लिखेंगे। जो टर्म यहाँ पे आएगी वो आंसर में भी वही टर्म आएगी, क्योंकि उसने इटसेल्फ अपने आप से भी क्या होना होता है मल्टीप्लाई होना होता है। तो अब क्या करेंगे कि 2 को हम 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, फिर 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12x, और प्लस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 आ गया। साइन चेंज करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का 12x है प्लस हो गया, और प्लस का 4 है माइनस हो गया। तो यहाँ पे प्लस का 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का 12x प्लस 12x से कैंसिल, और प्लस का 4 माइनस 4 से कैंसिल, और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो यूं हैंस लिख के जो आपके पास असल जो आपके पास जो रीअरेंज करके 16x की 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये आपके पास ओरिजिनल वो एक्सप्रेशन है जिसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 है, ये आपके पास आंसर आ गया। अभी फर्दर हम इसी क्वेश्चन में मौजूद हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको हम रेज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में, अभी भी हम जो है वो मौजूद हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। एक और बड़ा अहम सवाल इसमें से हमने जो है वो सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए, और वो आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 10, और उसके साथ है x अपॉन y जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का 27 है, फिर माइनस 10 और y अपॉन x जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस 10x अपॉन y प्लस 27 माइनस 10 और फिर साथ y अपॉन x और प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हम जो है इसको बाय डिवीजन मेथड जो है सॉल्व करेंगे, और जो ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन चूँकि ये वाला जो है हमने यहाँ पे ले लिया है डिवीजन के लिए, तो इसकी स्टेटमेंट है यहाँ से हम क्या करते हैं रेज कर देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम पहले पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और ये जो आखिर में लेफ्ट साइड पे एक टर्म बची है ये वन पेयर के इक्वल होगी। अब आपको क्या चाहिए एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर चाहिए, तो ऐसी टर्म यहाँ पे लेके आए जो यहाँ भी मौजूद हो और आंसर भी मौजूद हो और सेम हो एक जैसी हो और आपस में मल्टीप्लाई हो के क्या बनाए एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, तो वो कौन सी टर्म होगी वो एक्स अपॉन वाई होगा। यहाँ भी एक्स अपॉन वाई, यहाँ भी एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर के साथ कैंसिल, फिर नेक्स्ट टर्म उतारेंगे जो कि माइनस 10 अपॉन माइनस 10x अपॉन वाई है और प्लस का 27 है। अब हम क्या करेंगे x अपॉन वाई को डबल करेंगे, तो कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएंगे वो ऐड हो जाता है, यानी x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई 2 हो जाएंगे, x अपॉन वाई एक था तो ये कितने हो जाएंगे 2x अपॉन वाई हो जाएंगे, और हमें क्या चाहिए माइनस का 10x अपॉन वाई, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 5 ले लें और यहाँ भी माइनस का 5, अगर यहाँ माइनस का 5 लिया तो आंसर में भी माइनस का 5 ही लेना पड़ेगा, चूंकि ये नंबर दो जगहों पे आता है, डिवाइड करने वाली जगह पे भी ये टर्म आती है और आंसर में भी आती है। अब हम माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन वाई से, तो माइनस 5 को अगर 2x अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x अपॉन वाई आता है, यानी फर्स्ट टर्म हमने इक्वल लेके आनी थी
तो वो कौन सा हमने नंबर लिया या टर्म ली, माइनस का 5 जो है वो टर्म ली। उसके बाद फिर माइनस 5 जो है, माइनस 5 अपने आप से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार कितने होते हैं 25 होते हैं। तो यहाँ माइनस है नीचे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 25 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब यू माइनस का 10x अपॉन y जो है प्लस के 10x अपॉन y के साथ कैंसिल, और 27 में से 25 जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म लेके आएंगे वो है माइनस 10y अपॉन x एंड देन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे जो है 2x अपॉन y वैसे का वैसे, चूंकि इसको हम डबल कर चुके हैं और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस का 5 डबल होके माइनस का 10 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो जो 2x अपॉन y है उसके साथ ऐसा डिजिट आके मल्टीप्लाई हो कि आपके पास 2 आ जाए, क्योंकि हमें पहली टर्म को जो है वो इक्वल करना होता है। यहाँ पे जो टर्म है इधर फर्स्ट टर्म जो डिवाइड करने वाली है उससे ऐसी टर्म को मल्टीप्लाई करें कि जब इससे वो मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हम y अपॉन x ले लें, प्लस है यहाँ पे 2 के साथ प्लस है फर्स्ट टर्म के साथ, तो प्लस का साइन यहाँ भी प्लस y अपॉन x और यहाँ भी प्लस y अपॉन x। जो टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे वही टर्म आप आंसर में भी लिखेंगे। अब ये प्लस का y अपॉन x अगर 2x अपॉन y से मल्टीप्लाई हो, यानी 2x अपॉन y से जो है क्या मल्टीप्लाई हो, y अपॉन x, तो x x के साथ कैंसिल, y y के साथ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इट मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म जो 2 है, ये 2 लाने के लिए आपको 2x अपॉन y को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y अपॉन x से। अब वही y अपॉन x जो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है वो सेकंड टर्म से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड टर्म जो इट सेल्फ खुद वहाँ पे मौजूद है उस अपने आप से भी जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब माइनस 10 को जब हम y प्लस के y अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 y अपॉन x आ जाएगा, और प्लस का y अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 y अपॉन x है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का y स्क्वायर x स्क्वायर है तो ये माइनस का y स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल, माइनस 2 y अपॉन x प्लस 2 y अपॉन x के साथ कैंसिल, और प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर जो है माइनस के y स्क्वायर अपॉन x के स्क्वायर के साथ कैंसिल, आंसर 0 आ गया एंड पे, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब जो असल आपके पास है, हेंस लिख के यहाँ पे आप हेंस लिखेंगे, और जो असल आपके पास स्टेटमेंट दी गई एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर फर्दर माइनस 10x अपॉन y प्लस 27 माइनस 10y अपॉन x और प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर आप स्क्वेयर रूट लिखेंगे, स्क्वेयर रूट डालेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वेयर रूट आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ जो आंसर आया, आंसर आपके पास क्या है, एक्स अपॉन वाई माइनस 5 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये स्क्वेयर रूट हमने बाय डिवीजन मेथड जो है इसका मालूम कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स जो है ना, 3 पार्ट्स मैंने किए हैं, और वेरी सिंपल जो 2 पार्ट्स रिमेनिंग है वो आपके लिए है। तो यही वाली टेक्निक यूज़ करते हुए, इसको अच्छे तरीके से समझते हुए, इस मेथड को, उम्मीद है कि आप ये बाय डिवीजन मेथड जो स्क्वेयर रूट हम मालूम करते हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे और उसको कर भी सकेंगे। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 2 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। तो हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों का तरीकेकार एक जैसा है। तो मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो है 4x^4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस k आपके पास है, और हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि वो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हमने रकम लिखी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k लिखा है, और साथ ये हमने बताना है कि उसने कहा है कि इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, अगर गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर हो या रूट्स जो हैं वो इक्वल हो तो फिर रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो दो चीज़ें हमने इस दूसरा चीज़ें जहन में रख लें कि अगर किसी एक्सप्रेशन का या किसी इक्वेशन की रूट्स इक्वल हो तो फिर भी रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है, और अगर उस एक्सप्रेशन का जो दूसरा दिया गया एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर है तो फिर भी जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो आखिर में हम 0 के इक्वल लेंगे रिमाइंडर को, क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 की अगर स्टेटमेंट आप बुक से देखें तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और गिवन एक्सप्रेशन आपके यहां पे मौजूद है
तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसी तरह से बाय डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर से पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और ये लास्ट में अगर एक भी टर्म बच जाए तो वो एक पेयर के क्या होती है, इक्वल होती है, ये 4x की 4 आ गया। अब हमें 4x की 4 को पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो ऐसा डिजिट हम यहाँ पे टर्म लेंगे जो यहाँ भी वही हो और इधर आंसर में भी वही हो, जब आपस में ये मल्टीप्लाई हो सेम एक जैसी हो, और आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म 4x की 4 है वो आ जानी चाहिए। तो वो कौन सी टर्म है, वो 2x पेयर है, 2x पेयर मैंने यहाँ भी लिखा, 2x पेयर मैंने यहाँ भी लिखा, तो ये 4x की 4 आ गया, यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर से नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतार लेंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, और ये डिवीजन मेथड में आपको पता है कि टर्म को हम एक दफा क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो ये जो डिवाइड करने वाली टर्म 2x स्क्वायर है, इसको जब डबल करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जो इधर फर्स्ट टर्म जो कि हमने मुकम्मल उसको पूरा पूरा डिवाइड करना है वो है माइनस 12x क्यूब, तो 4x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास माइनस 12x क्यूब आ जाए, तो वो हमारे पास माइनस का 3x, यहाँ भी जो टर्म यहाँ पे लिखेंगे वही टर्म उसी साइन के साथ ऊपर आंसर में भी लिखेंगे, वो माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस के 4x स्क्वायर से, तो माइनस का 12x क्यूब, और माइनस 3x इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और आपके पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी 37 के साथ क्या है x स्क्वायर मौजूद है, यहाँ ऊपर इधर नीचे नहीं लिखना, तो यहाँ जो है माइनस का 12x क्यूब है, नीचे प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 9x स्क्वायर है, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस का 12x क्यूब प्लस 12x क्यूब के साथ कैंसिल, और प्लस के 27x क्यूब में से माइनस का 9x क्यूब जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से कैरी करेंगे 37 में से जब 9 जाएंगे तो 33 में से 7 कैरी करेंगे 17, और 17 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, और ऊपर इधर बच जाएगा 2 यानी 28 हो जाएगा, 37 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 28, चूंकि 37x स्क्वायर है तो इसमें से माइनस का 9x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 28x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लास्ट टर्म लेके आएंगे जो कि माइनस 42 है, 42x है और प्लस k है, तो ये टर्म आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिस टर्म को हम यहाँ पे डबल कर चुके हैं जो कि 4x स्क्वायर है वो वैसे की वैसे आ जाएगी, और दूसरी टर्म जो अभी सेकंड जिसने ये सेकंड जो आपके पास स्टेप था उसको कंप्लीट किया है वो कौन सी हमने टर्म वहाँ पे ली थी, माइनस 3x लिया था, तो वो डबल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 3x को जब डबल करेंगे माइनस का 6x हो जाएगा। अब 4x जो स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने मल्टीप्लाई करके जो इधर डिवाइड होने जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं उनमें जो पहली टर्म है उसको पूरा पूरा डिवाइड करना है, और वो टर्म कौन सी है 28x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28x स्क्वायर आ जाए। अब वो डिजिट जो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 28x स्क्वायर आएगा उसको हम यहां भी लिखेंगे, यानी प्लस का 7 है वो, और ऊपर आंसर में भी लिखेंगे प्लस का 7 है, उसने पहले इन दो टर्म्स से जो पहले से मौजूद है उनसे मल्टीप्लाई होना है, फिर उस 7 ने अपने आप से यानी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 28x स्क्वायर, फिर 4x माइनस के 6x 7 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 42x, और फिर प्लस का 7 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 49 आ गया, तो यहाँ पे जो है प्लस का 28x स्क्वायर है तो माइनस का साइन आ गया, माइनस का 42x है नीचे तो प्लस का साइन आ गया, और प्लस का 49 है तो माइनस का साइन आ गया, और ये माइनस का 28x स्क्वायर प्लस के 28x स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस 42x प्लस 42x के साथ कैंसिल, और आपके पास बच गया k, इधर नीचे माइनस का साइन है वो वाला साइन यहां पे अप्लाई होगा 49, के माइनस 49, और ये जो बाकी चीज बचती है ये किसके इक्वल होती है, रिमाइंडर r के इक्वल होती है। अब बाई गिवन कंडीशन भी आप कह सकते हैं, या यहां पे लिखेंगे इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये आप रेफरेंस देंगे, एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर गिवन एक्सप्रेशन आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या होगा कि जो रिमाइंडर आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, परफेक्ट स्क्वायर हो रूट्स रियल हो रूट्स इक्वल हो सॉरी रूट्स इक्वल हो या परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रिमाइंडर आर किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो आर की जगह हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो, लिहाजा ऊपर आर की जगह जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू के माइनस 49, के यहीं पर रहेगा, माइनस का 49 इधर आके प्लस का 49, आर लिख के पहले लिखें और इक्वल टू 49 लिखें, और ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ये हमने आंसर मालूम करना था, तो ये हमने मालूम कर लिया। हम अभी क्वेश्चन नंबर ये 4 के दो पार्ट्स थे, सेम इसी तरह जो दूसरा आंसर है वो लेके आना है आपने, यही टेक्निक जो है वो यूज करनी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट हैं, उसमें भी आपने क्या मालूम करना है, एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है, यहां भी एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है, जो एक पार्ट आपको दिया है जो कि शायद फर्स्ट पार्ट है
उसमें भी आपने जो है एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है, इसमें भी वो कह रहा है कि इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही स्टेटमेंट है, इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 49x4 माइनस 70x³ प्लस 109x² प्लस एल एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस एम। तो इसमें हम L और M की वैल्यू मालूम करेंगे और इधर से पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये इधर सेकंड पेयर, इधर लास्ट एक आखिरी टर्म बची है जो कि पेयर के इक्वल होगी। और यहाँ पे हम ये जो है बाय डिवीजन मेथड इसको भी सॉल्व करेंगे। 49x³ चाहिए, तो इट मींस कि जो यहाँ पे डिजिट आए 49x² बनाने के लिए जो टर्म यहाँ पे लिखेंगे वही टर्म आंसर में लिखें। तो 7x² वो डिजिट है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो गए, यानी 7x² टर्म जो है 7x² से अगर मल्टीप्लाई हो, अपने आप से मल्टीप्लाई हो, तो जो 49x⁴ हमें चाहिए वो आता है। तो हमने यहाँ पे 7x² यहाँ पे डिवाइड करने में भी लिया, ऊपर आंसर में भी 7x² लिखा। जब 7x² से मल्टीप्लाई होगा 49x⁴, यहाँ माइनस का साइन, इसको हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, माइनस आपके पास 70x³, अगला पेयर उतारेंगे माइनस 70x³ प्लस 109x², ये पेयर उतार लिया हमने। और आपको पता है कि जब इसको नीचे लेके आएंगे डिवाइड करने वाली टर्म को, यहाँ इसके सामने दोबारा डिवाइड करने के लिए सेकंड स्टेप के अंदर, तो ये डबल हो जाएगी, 7x² को डबल करेंगे तो 14x² हो जाएगा, और कोएफिशिएंट जो है उसको डबल करते हैं ना कि पावर को। अब हमें क्या चाहिए, माइनस 70x³ चाहिए, तो 14x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 70x³ आ जाए। वो जो आप नंबर यहां पे लेके आएंगे वो नंबर यहां भी लिखेंगे, मैं माइनस 5 यहां भी लिख रहा हूं और आंसर में भी वही माइनस 5 आप लिखेंगे। तो माइनस 5 वो नंबर है जो 14x² से अगर मल्टीप्लाई हो तो आपके पास माइनस 70x³ आता है। माइनस 5 को 14x² से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 70x³, और माइनस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पे x भी साथ आएगा, सॉरी जरा तवज्जो करें, हमें x³ चाहिए और हमारे पास जो टर्म है वो 14x² है, तो x² को हमने x³, और जो हमें चाहिए माइनस 70x³ चाहिए। इट मीन्स के 5 नहीं आएगा बल्कि माइनस का 5x यहाँ भी और माइनस का 5x यहाँ भी। तो अब ये माइनस का 5x जब 14 से पहले माइनस 5 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 70, और फिर x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, चूँकि हमें x³ चाहिए था। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे पास जो सेकंड टर्म हम जो लेके आए माइनस 5x वो यहाँ भी है और ऊपर आंसर में भी है, तो अब ये इट सेल्फ यानी अपने आप से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5s are 25 और x x से मल्टीप्लाई होकर x², ये माइनस का 70x³ है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस का 25x² है तो माइनस आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, चूँकि माइनस का 70x³ प्लस के 70x³ के साथ कैंसिल हुआ, और प्लस के 109x² में से जब 25x² जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84x² आ जाएगा, और लास्ट टर्म आपके पास है प्लस का एल एक्स माइनस एम। तो ये लास्ट आपके पास थर्ड स्टेप है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। हम पहली टर्म जो यहाँ पे डिवाइड करने वाली है 14x², इसको डबल कर चुके हैं, लेकिन सेकंड जो टर्म है वो सेकंड स्टेप में आई है, तो अब उसको डबल करेंगे जो कि माइनस का 5x है, क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब 14x² को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 84x² आ जाए। तो 14x² को कौन सी वो टर्म है, वो चूँकि प्लस का 84x² चाहिए हमें, तो प्लस का 6 है वो डिजिट, वो नंबर या वो टर्म जो 14x² से मल्टीप्लाई होकर 84x² बनाती है। अगर यहाँ प्लस 6 लिखा है तो ऊपर आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे। तो अब जो है 14x² जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये 84x² हो जाएगा, 84x², और फिर आपके पास जो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जगह थोड़ी सी कम है, तो 5x जो है ये क्या है 10x है, 5x जब डबल होगा तो माइनस का 10x और प्लस का 6 यहाँ पे आएगा। चलो ये लाइन थोड़ी सी हम यहाँ पे यूँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14x² माइनस 10x प्लस 6, और प्लस 6 को जब हमने 14x² से मल्टीप्लाई किया तो 84x², और फिर 6 जो है माइनस 10x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 60x आ जाएगा, और प्लस का 6 प्लस 6 अपने आप से जब मल्टीप्लाई होगा 36 आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, चूँकि प्लस का 84x² माइनस के 84x² के साथ कैंसिल, और रिमाइंडर आपके पास जो बचेगा वो एक एल एक्स बच गया, दूसरा ये नीचे वाला साइन यहाँ पे जो है अब वो उसका इम्प्लीमेंट होगा उसका
यानी वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ऊपर वाला माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, जो नीचे हमने अपनी तरफ से प्लस का साइन लगाया है, प्लस का 60x आ गया, फिर ऊपर माइनस m मौजूद है और इधर नीचे जो है माइनस का 36 है, तो वो आ जाएगा आपके पास। ये किसके आ गया, रिमाइंडर r के इक्वल आ गया। और यहाँ भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, अगर परफेक्ट स्क्वेयर है तो फिर जो रिमाइंडर होगा परफेक्ट स्क्वेयर, जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के, यानी आर किसके इक्वल होगा, यहाँ लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू एल एक्स प्लस 60x माइनस एम माइनस का 36। अब जो है हम अलहदा यूँ कर लेते हैं कि एल एक्स प्लस 60x इसको भी जीरो के इक्वल ले लेते हैं और माइनस एम माइनस 36 जो है इसको भी जीरो के इक्वल ले लेते हैं। एल एक्स यहीं पर रहेगा, माइनस का प्लस का 60x पर जाके माइनस का 60x हो जाएगा और एल यहीं पर रहेगा, तो ये जो एक्स L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके माइनस 60x के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, L इज इक्वल टू माइनस 60 आ जाएगा आपके पास आंसर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 36 यहीं पे रहेगा, माइनस का m दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, या r लिख के m पहले लिखे और माइनस का 36 आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास, हमने एल और एम की वैल्यू मालूम कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की स्टेटमेंट हमें वहाँ पे दी गई है, तो उसको जो है उसके लिए हम यहाँ भी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। उसमें उसने हमसे तीन चीज़ें पूछी हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, तो ये चीज़ें पूछी हैं। उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो 9x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 12, इधर से पेयर बनाएंगे फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और इधर लेफ्ट साइड पे जो टर्म आपके पास बच जाती है वो क्या होती है, x, हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, x इसमें थर्ड पार्ट में, तो वो आखिरी टर्म जो लेफ्ट साइड पे होती है वो भी एक पेयर के इक्वल ही कंसीडर की जाती है। हमें जहाँ चाहिए 9x की 4 को कंप्लीट हमने डिवाइड करना है मुकम्मल तौर पे, तो फिर ऐसा नंबर लें कि जो यहाँ भी आए डिवाइड में भी और आंसर में भी आए, और वो नंबर जो है वो एक जैसा हो और आपस में मल्टीप्लाई होकर 9x की 4 बनाए, तो वो कौन सा नंबर है, वो 3x स्क्वायर है, यानी वो टर्म कौन सी है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर यहाँ भी और 3x स्क्वायर वहाँ भी हमने ले लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 3x स्क्वायर से, जब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 9x की 4 आपके पास आ जाएगा, यहाँ 9x की 4, यहाँ माइनस का साइन, ये 9x की 4 9x की 4 के साथ कैंसिल, ऊपर से पेयर उतारेंगे, क्या पेयर आ गया, माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर, ये पेयर आ गया। आपको पता है कि डिवाइड करने वाली जो टर्म होती है जब उसको नीचे लेके आते हैं तो उसको डबल करते हैं, 3x स्क्वायर को जब डबल करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पहली टर्म जो है वो कंप्लीट डिवाइड करनी है जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि माइनस 12x क्यूब है, तो 6x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12x क्यूब आ जाए, तो वो हमारे पास जो है वो एक माइनस का साइन होगा, और दूसरा 6x स्क्वायर को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी माइनस का 4x और फिर यहाँ भी माइनस का 4x रहेगा, जो टर्म ऊपर आंसर में होगी वही टर्म यहाँ पे होगी आपके पास। तो माइनस का 4x जब 6x स्क्वायर से मल्टी सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा बल्कि 4, तो फिर 16 हो जाएगा, हमें तो चाहिए 12, तो 6 से 2 अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर माइनस का 2x यहाँ भी और माइनस का 2x यहाँ भी, माइनस हमने इसलिए लिया चूँकि ये माइनस का 12x क्यूब है, तो माइनस का 2x जब प्लस के 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x क्यूब आ जाएगा। ये माइनस का 2x जो हमने ऊपर लिया है वो प्लस के 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12x क्यूब, और फिर वो माइनस का 2x माइनस 2x से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 2 2 4x स्क्वायर, तो यहाँ जो है माइनस का 12x क्यूब है तो साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4x स्क्वायर है तो साइन चेंज के माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 12x क्यूब प्लस के 12x क्यूब के साथ कैंसिल, और प्लस के 20x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 18x स्क्वायर रह जाएगा। अब लास्ट पेयर हम लेके आएंगे जो कि माइनस का 13x प्लस 12 है, और इधर डिवाइड करने वाली टर्म्स को अब हम नीचे लेके आएंगे थर्ड स्टेप के अंदर, तो जो एक दफ़ा डबल हो चुकी है यानी 6x स्क्वायर वो वैसे का वैसे आएगा, और जो सेकंड टर्म थी जो हमने इधर सेकंड स्टेप में फर्स्ट टाइम ली थी उसको अब क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी माइनस 2x का डबल क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी थर्ड टर्म लेके आनी है जो यहाँ भी आएगी और वही टर्म आंसर में भी आएगी,
कि जो 6x² से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 18x² आ जाए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 यहाँ भी और प्लस का 3 यहाँ भी, प्लस का 3 प्लस के 6x² से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18x², और प्लस का 3 -4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x, और प्लस का 3 अपने आप से यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 3 9। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का 18x² था -18x², माइनस का 12x था प्लस का 8x, और प्लस का 9 था तो माइनस का आ गया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये प्लस का 18x² माइनस 18x² जैसे तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास 13x है और यहाँ पे आपके पास जो है माइनस 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 प्लस का यहाँ पे माइनस का ही है, माइनस का आपके पास 12x है। तो साइन चेंज हुआ तो प्लस का 12x हो गया, माइनस के 13x में से प्लस का 12x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। ये प्लस का 9 था तो यहाँ इसका भी साइन चेंज हो गया, नीचे माइनस आ गया, ऊपर प्लस का 12 है तो उसमें से माइनस का 9 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर माइनस एक्स प्लस 3 आ गया। अच्छा, अब जो बात आपने तीन उसमें उसने चीज़ें पूछी हैं, तो वो जो तीन चीज़ें आपने बतानी हैं वो क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट, यानी दिए गए एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया जाए। तो वी शुड ऐड, तो पहला जो आंसर है वी शुड ऐड, यहाँ पे आप यूं लिखेंगे वी शुड ऐड, क्या ऐड करेंगे हम, हम साइन चेंज कर देंगे। जब ऐड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसका साइन आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं और जो प्लस होता है वो क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते। वी शुड ऐड माइनस एक्स प्लस 3 है तो माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का 3 क्या है, वो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी ऐड करते वक्त साइन जो है वो जो रिमाइंडर होता है उसके क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वी शुड ऐड एक्स माइनस 3 टू द गिवन एक्सप्रेशन, टू द गिवन एक्सप्रेशन, ये पहला आंसर आ गया आपके पास के ऐड करते वक्त आप क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं टू द गिवन एक्सप्रेशन, ये आपके पास आ गया। स्टेटमेंट क्या है, टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर, यानी परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए, साइन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर ये एक्स माइनस 3 आप अगर ऐड कर दें तो ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन था ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐड करते वक्त दोबारा देख लें कि जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसमें जो भी टर्म्स होंगी उनके साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं और जो प्लस होता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस का एक्स था तो प्लस का एक्स कर दिया और प्लस का 3 था तो माइनस का 3 कर दिया। वी शुड ऐड एक्स माइनस 3 यानी साइन चेंज करके लिखा टू द गिवन एक्सप्रेशन, देन वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो फिर जो दिया गया आपको एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वेयर होगा। अब सेकंड पे आ जाए, जो सेकंड आपके पास मौजूद है, सेकंड में उसने क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए इस एक्सप्रेशन में से कि ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। वी शुड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखे और सब्ट्रैक्ट के अंदर जो है जो नीचे आपके पास टर्म्स आती हैं उसके साथ जो साइन होते हैं वो वैसे के वैसे आ जाते हैं। यानी माइनस एक्स प्लस 3 वो है जिसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसका साइन, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज नहीं करते। अगर ये जो एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है इसमें से माइनस एक्स प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नया एक्सप्रेशन आपके पास होगा वो परफेक्ट स्क्वेयर होगा। यानी उसको अगर आप दोबारा डिवाइड करें बाय डिवीजन मेथड तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करते हैं कि हम जो है उसका साइन चेंज नहीं करता, जो नहीं करते जो हमारे पास रिमेनिंग जो रिमेनिंग टर्म्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स प्लस 3 जो बाकी बचा है वैसे का वैसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त। वी शुड सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स प्लस 3 फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन से अगर आप जो है ये चीज़ जो है जो दिए आपके पास रिमाइंडर बचा है इसको अगर आप माइनस कर दें तो क्या होगा कि जो बाकी एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन होगा जो परफेक्ट स्क्वेयर अगर यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वी शुड टेक, यहाँ पे वही चीज़, अब x की वैल्यू मालूम करिए, वी शुड टेक जो आपके पास रिमाइंडर है, वी शुड टेक माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो जो आपके पास रिमाइंडर है उसको किसके इक्वल ले लें, 0 के इक्वल ले लें। तो माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 यहीं पे रहेगा, माइनस का x दूसरी तरफ जाके प्लस का x हो जाएगा, और या यहाँ पे r लिख के x इस तरफ लिखें और इज इक्वल टू 3 लिखें, x इज इक्वल टू 3। इस जो आपको पास क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें तीन हिस्से उसने पूछे थे कि व्हाट शुड बी एडेड,
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने व्हाट शुड बी एडेड, हमने वो भी मालूम किया, एक्स माइनस थ्री ऐड किया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचा है वो वैसे का वैसे आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू भी हमने मालूम की जो कि एक्स इज इक्वल टू थ्री है। ये आप जो है अगर चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐड करते वक्त एक्स पर माइनस थ्री जो दिए गए आप एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करें तो जो नया एक्सप्रेशन आएगा उसको डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप माइनस एक्स प्लस थ्री जो बाकी बचा है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें दिए गए एक्सप्रेशन में से, तो फिर बाद में जो नया एक्सप्रेशन आएगा और उसको आप डिवाइड करें बाई डिवीजन मैथड, उसका स्क्वेयर रूट मालूम करें तो परफेक्ट स्क्वेयर होगा, पूरा पूरा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मुकम्मल आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, दोनों सूरतों में जीरो बचेगा। ऐड अगर ये करें तो भी जीरो आएगा, परफेक्ट स्क्वेयर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट अगर ये करें तो भी जीरो आएगा रिमाइंडर, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ये आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया और इसी से मुतालिक जो है वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो मुझे उम्मीद है कि 6.1, 6.2 और 6.3 करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर सकें, और यही आपका जो सिलेबस था अभी जो आपकी असाइनमेंट थी वो इसी यूनिट नंबर 6 की थी, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।